शिव के धामों से आने वाली दो पवित्र नदियों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पर होता है, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। वैसे तो रुद्रप्रयाग के बहुत सारे महत्वपूर्ण आख्याएं इसके बारे में हैं, इतिहास इसके बारे में है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध आख्यान है वो है श्री नारद जी के बारे में। नारद जी ने यहाँ पर 100 वर्ष तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए यहाँ पर साधना की, और उस साधना के फलस्वरूप उन्हें सप्त अलंकारों के भेद, सप्त स्वरों के भेद, 6 राग, 36 रागनी और अन्य सभी प्रकार के जो रहस्य हैं उनकी सिद्धि उनको यहाँ प्राप्त हुई। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद के बाद नारद जी ने इस साधना को पूरे विश्व के लिए फैलाया, और नारायण 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 गाते हुए उन्होंने पूरे विश्व को संगीत का प्रसाद बांटा। ये जो सामने एक शिला दिखाई पड़ती है वह है रुद्रशिला, उसी शिला पर बैठकर ही उन्होंने साधना की, और उस साधना के प्रतिफलन उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। आज हम सब यहाँ पर हैं, भगवान से यही प्रार्थना है सबका जीवन संगीतमय बने, सबका जीवन सुरीला बने, सुरीला जीवन संगीतमय जीवन सरल सहज और सुंदर बनता है, और हमारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की सृष्टि प्रदान करता है।
नारायण
कैलाश पर्वत के ऊपर कामधेनु गऊ अपने 5 बच्चों को सहित चल रही थी। उधर से भगवान शंकर और पार्वती जी निकले। नारी स्वभाव बस मजाक किया कि अभी भी इनको 5-5 चाहिए। माँ कामधेनु गौ माता में श्राप और आशीर्वाद देने की बड़ी क्षमता होती है। उन्होंने भी कह दिया कि तुमको भी 5 हो जाए। अब कामधेनु का श्राप लग गया पार्वती जी को। अब उनको 5 पति बनाने के लिए मानव लोक में ही आना पड़ा। आया ना जन्म। अब आए कैसे? तो आने का एक तरकीब रची। राजा द्रुपद बृहत पांचाल देश के नरेश थे। बृहत पांचाल नरेश का मतलब यह हुआ कि अभी जिसको आप हरियाणा कहते हैं, दिल्ली कहते हैं और पंजाब कहते हैं, सिंध कहते हैं, अफगानिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, हिमाचल प्रदेश कहते हैं और गढ़वाल कहते हैं और आपका जो है ना ये गुड़गांव वगैरह ये कहते हैं, ये हरियाणा, ये सब मिलाकर बृहत पांचाल देश, उसके राजा द्रुपद। इधर महर्षि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति के पुत्र भगवान भरद्वाज मुनि ने गंगा किनारे इतने जल में रहकर तप प्रारंभ किया। घोर तप में लीन हुए तो हम साधु संतों के पक्के दुश्मन होते हैं देवता। जो देवता होते हैं ना, साधु संतों के पक्के दुश्मन होते हैं। क्यों? ये सोचते हैं देवता लोग कि तपस्या कर रहे हैं, तपस्या से भगवान खुश होंगे। लीजिए ना, उसके बाद तपस्या से भगवान खुश होंगे और ये इंद्रलोक मांगेंगे, क्योंकि इंद्रलोक ही संसार का सबसे बड़ा लोक है।
इंद्र की आज्ञा में सूरज चंद्र तारे, इंद्र की आज्ञा में ही सारी दिव्य अप्सराएं, दिव्य ऐश्वर्य सब कुछ इंद्र के हाथ में होता है। इंद्रलोक मांगेंगे तो उनके तप को रोकने के लिए इंद्र प्रयत्न करते हैं। तो इंद्र के पास में दो प्रकार की सेना है, एक सेना के सेनापति स्कंद भगवान हैं जो राक्षसों से युद्ध करती है, और एक सेना की सेनापति अप्सराएं, उर्वशी है, रंभा है। रंभा भी वैसी सुंदरी है जैसे लक्ष्मी जी, रंभा भी जो है ना समुद्र से ही निकली हैं। तो ये औरतों की जो सेना है, इस सेना को लड़ने के लिए ऋषि मुनियों के लिए भेजते हैं। अब जब ऋषि मुनि तप में लीन होते हैं, जब इंद्र देखता है कि तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ध्यान में एकाग्र ही होते जा रहे हैं, ये तो भगवान के नज़दीक ही पहुँचते जा रहे हैं, तो उन अप्सराओं से कहते हैं कि उनको कहीं रोको, जरा रोको। तो रोकने के लिए आती हैं वो, कोई बेचारे ठग जाते हैं और कोई निर्मल बनकर निकल भी जाते हैं। परंतु फिर भी एक बात आती है, विश्वामित्र पराशरे प्रवृतयो बातांबुपर्णासना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गता साल्यन्नम सघृतम वयोदधियुतम रंभाफलम भुंजते तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरे। माने विश्वामित्र और पराशर जैसे मुनि केवल वायु पीकर रहते थे, जल पीकर रहते थे, वो भी स्त्रियों के मुख को देखकर मोहित हो गए। तो जो लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, केला खाते हैं, मक्खन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो यदि ब्रह्मचारी रह लें तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ जो है ना समुद्र में तैरने लगेगा। मैंने कठिन विषय समझे ना, दुनिया के जितने विषय हैं सब में कठिन विषय ये नारी जगत। फिर भी हमारे महापुरुष हुए हैं, तो भरद्वाज मुनि तप कर रहे थे तो उनके तप को रोकने के लिए इंद्र ने अप्सराओं से कहा। तो एक अप्सरा नियुक्त हुई, तो उनकी सेवा में किसी तरह से एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, दस दिन हो गया, महीना हो गया, दया आ गई ऋषि को। उन्होंने अय वाले कस्य हेतु तुम कष्टम सब सहति धीरता, हे सुंदरी तुम इस हिमालय की ठंडी हवाओं में क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो, कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा हो हम पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं स्वर्ग में यश चाहती हूँ। बोले जाओ तुम्हारा स्वर्ग में यश फैल जाएगा। बोले नहीं ऐसे नहीं फैलेगा, यश मेरा जब फैलेगा जब आपका मेरा अंग का संग होगा और कोई संतान होगी तब मेरा नाम स्वर्ग में होगा कि ये भरद्वाज मुनि से मिल के आई है। मुनि ने कहा देवी मैं तो तब में ली लूँ और मैं अब संयमी नियमी जीवन जी रहा हूँ, मैं इस शरीर से आपसे नहीं मिल पाऊँगा। और इंद्रलोक में जाकर उसने कहा कि मैं भरद्वाज मुनि को कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो इंद्र फिर बड़े दुखी हुए। अब वो कुछ काल के बाद में जो दोनों में रखा हुआ वीर्य था वो बालक रूप बन गया, ओजस्वी वीर्य था ना वो, तो
तो बालक बन गया। एक दिन वो बालक जो था रो रहा था, मुनि ने देखा ये क्या है, देखा तो बालक, फिर पता लगा कि वो अप्सरा छोड़कर चली गई है। उसको लालन पालन किया, थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में उस बालक से कहा कि मेरे एक परम मित्र हैं पांचाल नरेश द्रुपद, तुम जाकर हमारा नाम लेना और तुम उनके यहीं रहना। तो वो बालक वहाँ से गंगोत्री से चला तो पांचाल नरेश के यहाँ आया, ड्योढ़ी पर आया। अब जब साधु जीवन था, कपड़े भी गंदे, नहीं नहाना, नहीं धोना, नहीं तेल, नहीं साबुन, नहीं ना, ड्योढ़ी वाले से कहा कि भाई राजा से कहो कि भाई तुम्हारे मित्र आया है। ड्योढ़ी वाले ने जाकर के राजा से कहा, उनका भाई भीख मंगा और राजा की मित्रता कैसी की? मित्रता तो समानता से होती है, राजा की और भीख मंगे की मित्रता कैसी? तो उन्होंने कहा भाई नहीं जाओ। ड्योढ़ी वाले ने उनको वहां से विदा कर दिया। अब कहाँ जाएं? तो उनको एक ऋषि मिले। ऋषि मिले तो उन्होंने उनको कहा, देखो भाई संसार में सबसे बड़े ब्राह्मणों के हितैषी परशुराम जी हैं, तो तुम बेटा उनके पास में चले जाओ। तो ये परशुराम जी के पास में पहुंच गए। तब परशुराम जी ने समस्त भूमंडल को विजय प्राप्त करके कश्यप मुनि को दान कर दिया। अब उनके पास में देने को कुछ था नहीं, क्यों सभी भूमंडल दान कर दिया उन्होंने। तो उनका बालक दुनिया की जितनी चीजें थी वो तो सब दान हो चुकी हैं, मेरे पास में अस्त्र विद्या है, चल वो सिखा देता हूँ। तो उस बालक को उन्होंने अस्त्र विद्या सिखा दी, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, जो भी भाई भरद्वाज का पुत्र है, ऋषि का पुत्र है और इतना बड़ा शिष्य मिला है, सारी विद्या उसको दे दी। वो विद्यालय जब पढ़ गया तब वो फिर इन पांडवों की राजधानी आया, क्योंकि यही चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये बालक खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गई। अब गेंद को निकालने के लिए बालकों ने बहुत प्रयास किया पर गेंद नहीं निकली। इतने ही वो द्रोणाचार्य पहुंच गए वहां। बच्चों क्या बात है, सारे ही राजकुमार थे वहां। तो बोले महाराज हमारी गेंद गिर गई है। पंडित जी बोले मैं निकाल देता हूँ। तो उन्होंने एक तीर मारा और गेंद को उछाल कर बाहर कर दिया। गेंद फटी भी नहीं तीर से, गेंद फटी नहीं और तीर से गेंद बाहर निकाल दी। ये सारे राजकुमार में जाकर पिता में भीष्म से कहा, दादाजी एक ब्राह्मण बालक ऐसा आया और ऐसे कर दिया। उनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि ये तो परशुराम जी के शिष्य हैं। उनका भाई ये विश्वविद्यालय है और इसके आप कुलपति और ये सारे विद्यार्थी तुम्हारे। अब तो उनको राजभवन मिल गया रहने को, वाहन मिल गए, सारी सुविधाएं मिल गई, राजाओं महाराजों जैसा सुख हो गया। अब विद्या पढ़ाने लगे। विद्या पढ़ाने के बाद में सबको विद्वान बना दिया।
सारे राजकुमार सब धनुष विद्या के संपूर्ण ज्ञाता बन गए, जो जैसा अधिकारी था। क्योंकि ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र, नाराज अस्त्र, ये तो सबको दिए नहीं जा सकते हैं, जो जिसको देने लायक थे उसको दे दिए। बाद में गुरु दक्षिणा मांगी कि भाई तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तुमको विद्या दी है, अब गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में मांगा कि राजा द्रुपद को जो पांचाल नरेश हैं बिना मारे जिंदे जो पकड़ कर लाएगा वही मेरा सर्वोच्च शिष्य होगा। तो दुर्योधन गए सेना लेकर, सारी सेना समाप्त, और भी सारे वीर गए, सब समाप्त। पांचाल नरेश को कौन जीते, बहुत बड़ा राजा। परिणाम ये हुआ अर्जुन गए और अर्जुन ने अपनी वीरता से पांचाल नरेश को परास्त कर दिया और अरेस्ट भी कर लिया, चोट भी नहीं लगने दी, कहीं एक खून की एक बूंद भी नहीं निकलने दी, अरेस्ट करके हाथ में जंजीर लगाकर गुरुजी के सामने खड़े कर दिया। गुरुदेव ये हैं पांचाल नरेश महाराज द्रुपद, बहुत खुश हुए, शिष्य के प्रति बड़ा आभार माना, शिष्य हो तो ऐसा हो। तो अर्जुन को तो आशीर्वाद दिए सो दिए ही, परंतु फिर द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से एक शब्द कहा, राजन मित्रता जो है ना भिखारी की और राजा की नहीं होती है, ये तुम्हारा कथन सत्य था और मैं भी इसको मानता हूँ कि तुम्हारा कथन सत्य है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आधा राज्य मैं ले लूँ, तुमको मारूंगा नहीं, मैं तुमको जेल में भी नहीं डालूंगा, तुम्हारा आधा राज्य मैं ले लेता हूँ तो मैं भी राजा हो गया, तुम भी राजा हो गया, तुम मेरे मित्र हो गए। तो उन्होंने आधा राज्य ले लिया, मित्रता हो गई। जब राज्य चला गया आधा और इतना घोर अपमान हुआ तो राजा द्रुपद सहन नहीं कर सके उस बात को, दिन रात पीड़ा, न तो रात को नींद आती है न दिन को भूख लगती है, चिंतित, हमेशा चिंता में, हमेशा चिंता में। तो उन्होंने सोचा कोई वेदज्ञ पुरुष ढूंढे जो वेदों का ज्ञाता हो, वेद विद्या में बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं वेद पाठी। तो उनके गुरु थे एकत नाम के ऋषि, उनसे कहा महाराज मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार डाले। कहाँ राजन, यज्ञ मंडप में पहुंचे, राजा रानी यजमान बने, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ की पूर्णा होती हुई यज्ञ में से एक दिव्य सुंदरी कन्या प्रकट हो गई, अलौकिक अयोनिजा, अयोनिजा माने जो योनि से नहीं पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, अग्निदेव से। और एक पुत्र पैदा हुआ जिसको सोने का कवच, तलवार, धनुष, मुकुट, मैंने कवच ऐसा जो बाण घुस ही नहीं सके जिसमें, समझे ना। तो दो लड़का भी हो गया और लड़की भी हो गई। तो ये माँ पार्वती जी का जन्म हुआ कामधेनु के श्राप से, अगेन जन्म माँ द्रौपदी कौन थी, माँ पार्वती देवी थी। अब पांडवों ने भी, पांडवों की स्थिति क्या हुई,
ये सूरसेन नाम के राजा थे जिनकी लड़की का नाम था प्रथा। उनके एक रिश्तेदार थे महाराष्ट्र के, माने जिसको आज अपन कहते हैं अकोला, नागपुर, अमरावती सिटियों के नाम है, वहाँ के वो राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा भाई ये प्रथा को हमको गोद दे दो, तो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया उसको। अब एडॉप्ट करने के बाद में उसका नाम प्रथा नहीं रहा, कुंती हो गया। कुंती भोज नाम राजा था, का नाम था, तो अपनी लड़की का नाम कुंती रखा उन्होंने। अब लड़की बड़ी हुई, एक बार महर्षि दुर्वासा, ये उनका जन्म स्थान इधर ही है, तब स्थान भी उधर ही है, समझे ना। तो वो कहीं घूमते घूमते वहाँ चले गए। चातुर्मास्य का समय आ गया। चातुर्मास्य में हम साधु सन्यासी लोग सावन और भादों दो महीने कहीं यात्रा नहीं करते, कभी नहीं जाते, बंधन होता हमारा। पहुँचे तो राजा कुंती भोज ने प्रार्थना करी, स्वामी चातुर्मासी यहीं किया जाए। उनका भाई चातुर्मासी तो यहाँ मैं करूँ, पर मेरी सेवा कौन करेगा। कहते मैं, बोले तू सेवा करेगा तो राज्य कौन संभालेगा। रानी ने कहा मैं सेवा करूंगी। बोले नहीं, तेरी सेवा मेरे को स्वीकार नहीं, जाना है अब। तो न राजा की सेवा स्वीकार है, न रानी की सेवा स्वीकार है, तो जाना ही है। छोटी बच्ची थी वो, 7-8 वर्ष की। तो वो कहती गुरु जी मैं सेवा करूंगी। कन्या के मुंह से निकला हुआ शब्द मुनि के हृदय में बींद गया, स्वीकार कर लिया, निवास हो गया राजभवन में। अब कुंती सेवा कर रही है, पूरी सेवा करिए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। साधु की एक आदत होती है, जिससे प्यार करता है उसको कुछ सिखाता जरूर है। ये मंत्र सिखा दिया, ये विद्या सिखा दी, ये विद्या सिखा दी। जैसा जो अधिकारी है, ऐसी बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे श्लोक उनको सिखा दिए। अब चातुर्मासी पूरा हुआ, जा रहे हैं। अब जाने का समय आया, अब वो बच्ची को सहन शक्ति के बाहर हो गया, अब नहीं सहन कर सकती वो। तो जिस रास्ते से दुर्वासा जा रहे थे उसी चौराहे पे जाके लेट गई। महर्षि ने देखा ये कौन, लोगों ने बताया आपकी शिष्य कौन थी, गोद में उठाया, प्यार किया। बेटा तू कहे तुझे इंद्राणी बना दूं, तू कहे तो शिव पत्नी गिरिजा बना दूं, तू कहती हो तो विष्णु प्रिया लक्ष्मी बना दूं, जो तेरी इच्छा हो बोल। नहीं, क्या चाहती है। बोले मैं बस ऐसे ही सेवा करूं आपकी, आपकी सेवा में ही रहूं। अब विरक्त महात्मा एक जगह कैसे रहेंगे, बेटा संभव नहीं, कोई तरीका नहीं, संभव नहीं। फिर लोगों ने समझाया बुझाया कि बेटा तू कुछ है। तब फिर पूछती है कि गुरुजी तुम जो माला के ऊपर मुटर मुटर जपा करते थे वो क्या करते थे। तो बोले बेटा मैं वो मंत्र जपता था कि जिससे जिस देवता को चाहूं उसी को बुला लूं।
माला हाथ में उठाई, मेरी इच्छा हुई कि वायु को बुलाऊं तो वायु आ जाए, मेरी इच्छा हो इंद्र को बुलाऊं इंद्र आ जाए, मेरी इच्छा हो अश्विनी कुमारों को बुलाऊं अश्विनी कुमार आ जाए, बोले वही मंत्र दे दो। माला भी अपनी दे दी, मंत्र भी दे दिया और चले गए। बच्ची बड़ी हुई। एक दिन योगान योग से, अब बड़ी होने से वो मासिक धर्म आ गया। मासिक धर्म आया तो गंगा के किनारे नदी थी, उनके वहाँ स्नान कर रही थी। स्नान करके वस्त्र बदले, उसको वही ध्यान आया कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था देखूं तो सही। तो माला उठा करके सूर्य भगवान का, यमन धर्मराज का आह्वान, सूर्य भगवान का आह्वान किया। भगवान सूर्य प्रकट हो गए चार भुजाओं से, संघ चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, लजा गई, शर्मा गई, प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने कहा, कुंती हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मिलन हो गया, गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। अब कन्या गर्भवती हो जाए बड़ा झंझट। खैर वो उनसे प्रार्थना करी, जैसे तैसे बच्चा पैदा हो गया, बहा भी दिया। उसके बाद में उनकी दूसरी शादी हो गई। फिर दूसरी शादी होने के बाद में उनके पति की दो शादी हुई तो दोनों पतियों को लेकर इधर पांडुकेश्वर स्थान है बद्रीनारायण के, इधर यहाँ निवास कर रहे हैं राजा अपनी दोनों पत्नियों के सहित। तो राजा उनको शिकार करने का शौक था, शिकार करने के लिए निकले। एक कोई सुंदरी अप्सरा ने ऋषि से कामना करी मिलन की। ऋषि ने कहा, देवी शरीर से तो मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। अब ये शरीर मैंने भगवान शंकर को अर्पण कर दिया है भोगों को ले, अब भोग नहीं भोगूंगा। पर तेरी कामना है तो तू दूसरा रूप धारण कर ले। तो हिरणी बन गई, तो मुनि हिरण बनकर क्रीड़ा करने लगे। और राजा ने उठाया बाण, मिल रहे थे जब तीर मार दिया। तीर मारते ही मुनि प्रकट हो, उन्होंने कहा, तेने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऐसे वक्त में शिकार कभी नहीं करना चाहिए था। आज के बाद में तू तेरी पत्नी को छुएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। श्राप लग गया। पत्नी तो दो, राजा का शरीर चाहिए, संतान नहीं हो तो न सही। एक दिन की बात, योग की बात में शिकार करने के लिए राजा गए, माद्री चली गई साथ में, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। राजा का शरीर छूट गया, छूट गया। तो अब कुंती बड़ी थी, उनका क्षति होना है मेरे को। तो उन्होंने, माद्री ने कहा कि दीदी ये तुम्हारी कृपा से राजा ने तुमको कहा कि मेरे को धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए, तो तुमने धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर को जन्म दिया। राजा ने तुमसे कहा कि मुझे वीरवानी पुत्र चाहिए, तो वायु के पुत्र से भीमसेन का जन्म हुआ। तुमने इच्छा, राजा की इच्छा हुई कि इंद्र के समान तेजस्वी बालक हो तो अर्जुन हो जाए। राजा की इच्छा हुई कि सुंदर अश्विनी कुमार के समान पुत्र हो जाए, तो मेरे दोनों अश्विनी कुमार हो गए, पांच पुत्र हो गए। दीदी मेरे कारण से राजा ने शरीर त्यागा, मुझे ही क्षति होने दो, मैं नहीं संभाल पाऊंगी बच्चों को, तुम संभालो। वो मर गई।
अब ये पांचों पितर ऋषियों के आश्रम में ही रहे, वहीं सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, स्मृतियाँ पढ़ी, पुराण पढ़े, सारी विद्याएं पढ़ी वहाँ। बाद में पिता में भीष्म ले आए। ये तो थे पांचों पांडव और ये थे भगवान शंकर के पांचों रूप और माँ द्रौपदी थी माँ पार्वती का रूप। बाद में युद्ध हुआ कौरव पांडवों का। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण, ड्राइवर बने। तो ड्राइवर बने तो अर्जुन ने कहा भाई दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो हमारे रथ को। गए, रथ पहुंचा, देखा मामा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, भांजा खड़े हैं, जीजा जी खड़े हैं, इनके मारे बिना तो युद्ध कैसे होगा। तो अर्जुन ने गोविंद से कहा गोविंद अपने रथ को यहाँ से ले चलो। भगवान बोले क्यों? बोले हमको युद्ध नहीं करना है, भीख मांगकर जीवन जी सकते हैं पर लोगों को मारेंगे नहीं। और गोविंद तुम समझते नहीं हो, दोनों सगे भाई थे ना, मामा मामा फूफी के सगे भाई थे, उम्र में भी ज़्यादा अंतर नहीं था, दो चार महीने का ही अंतर था। तो अर्जुन मित्रवत व्यवहार करके कहते हैं कि गोविंद तुम समझते नहीं हो, यदि युद्ध हुआ तो ये लाखों लड़कियां विधवा होंगी, लाखों बच्चे बिना माँ बाप के होंगे और ये स्त्रियां दुष्चरित्र बनेंगी, दूसरे पुरुषों से मिलेंगी, इनके संतान होगी, संतान मैंने ये तो ब्राह्मण और ठाकुर से मिली तो गोत्र क्या हुआ, गोत्र नष्ट हो जाएगा, गोत्र नष्ट होते ही पिंडदान कैसे होगा, पितरों की क्रिया ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये युद्ध नहीं करेंगे। फिर भगवान ने बहुत ज्ञान उपदेश किया, संसार में आज तक बहुत उपदेश हुए हैं, बड़े बड़े उपदेशक हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, परंतु जितना बड़ा सूक्ष्म और सरल सुंदर सुगम सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा उपदेश, गीता जैसा उपदेश आज तक कहीं न हुआ, न कभी हो पाएगा, न अभी।